तो दोस्तों आज हम देखने वाले हैं कि DN3630 Ampere LNT का जो 4-pole MCCB है उसमें हम आज देखेंगे कि हैंडल असेंबली कैसे लगानी है, शंट कॉइल कैसे लगानी है और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट कैसे लगाने हैं। तो ये हमारे पास एक शंट रिलीज है, यहाँ पे लिखा हुआ है शंट रिलीज। ये शंट रिलीज है 630 Ampere DN4 MCCB LNT की, और ये 110 वोल्ट से 415 वोल्ट तक यूज़ हो सकती है। और साथ में हमारे पास है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो इसी MCCB के लिए यूज़ होगा। यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है DN3 या फिर DN4 630 Ampere DN4 DSine MCCB के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो पहले हम इसमें शंट कॉइल और ऑक्सिलरी बिठाएंगे, तो उसके लिए हमें ये दो और ये दो, ये चार स्क्रू खोलने हैं। तो हम इसको खोलते हैं पहले। ये खोल लिए, ये साइड में रखने के बाद यहाँ पे ये दो स्लॉट दिख रहे हैं, यहाँ से हम ये कवर निकालेंगे। पहले सेफ्टी कवर है, ये सेफ्टी कवर, ये दोनों निकाल देंगे यहाँ पे। अब शंट कॉइल जो है, शंट कॉइल हम बिठाएंगे लेफ्ट साइड में और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट जो है वो बिठाएंगे राइट साइड में। और यहाँ पे ये इन्होंने दिखाया भी है कि शंट और यूवी कॉइल अगर होगा तो वो लेफ्ट साइड में भी बिठाएंगे, यहाँ पे वो लिखा हुआ है। तो इसी से भी हमें पता चल जाएगा कि कौन से साइड क्या बिठाना है। तो ये क्या कुछ नहीं, इसमें सिंपल है। यहाँ पे जो स्लॉट दिखा रहा है ये जो है वो इस स्लॉट में, इधर अंदर वाले स्लॉट में, इधर और इधर ये फंसा देना है बस। यहाँ पे ये अंदर प्रेस करेंगे तो क्लिक होगा तो वो लॉक हो जाएगा। सिमिलरली ऑक्सिलरी भी ऐसी है, ऑक्सिलरी कॉइल है ये, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है ये, उसका भी सेम ही है। ये जो स्लॉट है वो इसमें फंसाएंगे हम। ओके, ये हो गया। फिर यहाँ से वायर निकालने के लिए ये जो अपना कवर है वो कवर के साइड में यहाँ पे स्लॉट उन्होंने कट करने के लिए, ऐसा जो है वो कट करने के लिए दिया होता है, उसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद ये स्लॉट बन जाएगा और यहाँ पर जो साइड में स्लॉट है वो स्लॉट से हम सारे वायर्स जो है अंदर के वो बाहर निकालेंगे। तो ये हम यहाँ से स्लॉट से वायर बाहर निकाल चुके हैं। अब हम कवर फिक्स करके लेंगे पहले। तो ये कवर फिक्स हो गया। यहाँ के दो दो स्क्रू है वो निकाल के रख देने हैं क्योंकि हमें हैंडल असेंबली भी बिठानी है। तो हैंडल असेंबली ये दो स्क्रू पे लगेगी। ये रोटरी हैंडल असेंबली जो हम पैनल में एक्सटेंडेड रोटरी हैंडल जो लगाते हैं उसके लिए ये रोटरी हैंडल असेंबली आती है, ये उसका असेंबली है। और ये उसके साथ ये रॉड और ये रोटरी हैंडल जो सब LNT का है। ओके, तो हम फिर असेंबली बिठाएंगे। तो असेंबली बिठाने के लिए हमें पहले क्या करना है कि MCCB जो है वो हमेशा ट्रिप पोजीशन में होना चाहिए। ट्रिप पोजीशन में होने के बाद ही हम असेंबली लगा सकते हैं। तो पहले जो हैंडल है वो हैंडल हम ऐसे घुमाएंगे और उसको ट्रिप पोजीशन पर लाएंगे हम। और ये जो अंदर वाला स्लॉट है, ये स्लॉट जो है वो हम इसमें बिठाएंगे। तो ये जो है ये हो गया फिक्स। तो फिर उसके बाद ये दो स्क्रू टाइट कर देने हमें, करूँ दाखो अपन का। तो ये हम हैंडल असेंबली बिठा चुके हैं, अब हमें इसके ऊपर का हैंडल बिठाएंगे। तो हैंडल जो है, हैंडल लगाने के लिए हैंडल हमेशा ऑफ पोजीशन में चाहिए, तब हैंडल लगेगा। तो ये जो रॉड है और हैंडल में जो ये स्लॉट है, ये वाला अंदर का जो हॉरिजॉन्टल स्लॉट है, ये हॉरिजॉन्टल स्लॉट में ये रॉड ऐसे अंदर फंसा देना है। तो पहले हम ये हो गए हमारे असेंबली तैयार। अब इसको ऑन कैसे करना है, सबसे पहले अगर ट्रिप पोजीशन में MCCB हो तो उसको ऑफ पोजीशन में लाना है। तो इसको हम घुमाएंगे, ये आ गया ऑफ पे, ये एरो दिख रहा है, एरो जो है वो इंडिकेट करेगा कि अभी हमारे MCCB जो है वो ऑफ पोजीशन में है।
ओके। इसके बाद हम MCCB ऑन करेंगे, ये हो गया ऑन। अगर वापस इसे ट्रिप में लाना है तो यहाँ पे बटन है, ये ब्लू कलर का बटन है, इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो ये MCCB है जो अपने आप फिर से ट्रिप पोजीशन में आएगा। तो अभी हम जैसे कि देख रहे हैं कि इसमें हम शंट कॉइल और ऑक्सिलरी लगाया है, तो शंट कॉइल का यूज़ क्या होता है समझ लो, हमें एक्सटर्नली मतलब जहाँ पे ऑटोमेशन होता है या फिर कुछ भी होता है, ऑटोमेटिक सिस्टम होती है, हमें PC पर या फिर स्काडा में या फिर PLC से किसी भी चीज़ से अगर MCCB ट्रिप करना है या फिर अर्थ फॉल्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अगर MCCB हमें ट्रिप करना है तो उसके लिए हमें शंट कॉइल यूज़ करनी पड़ती है और उसको हम एक्सटर्नली सप्लाई देते हैं। ये जो दो वायर है वो शंट कॉइल के वायर है, इसको हम एक्सटर्नली सप्लाई देते हैं और इसको सप्लाई जैसे ही मिलेगा ऐसे ही शंट कॉइल ट्रिगर हो जाएगा और अपना MCCB है वो ट्रिप हो जाएगा। अभी हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके देखेंगे। उसको हम चेक कैसे करेंगे, पहले हम MCCB को ऑफ करेंगे फिर इसको हम ऑन पोजीशन में लाएंगे। अभी हम जो है वो शंट कॉइल को सप्लाई देंगे 230 वोल्ट्स, और जैसे ही हम 230 वोल्ट का सप्लाई देंगे वैसे ही हमारा MCCB जो है वो ट्रिप हो जाएगा। ज़रा दूरून गए मजे का सर। अभी हम इसको सेटअप लगाया है, हम इसको सप्लाई देंगे अभी 230 वोल्ट, ये एक्सटेंशन बॉक्स यहाँ से हम सप्लाई देंगे। जैसे कि देख रहे हैं MCCB जो है वो ट्रिप हो गया है। ये तो हो गई शंट कॉइल की बात। अभी ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट पे आते हैं हम। यहाँ पे जैसे दिखा है कि ऑक्सिलरी यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे ये TAC लिखा हुआ है। अभी ऑक्सिलरी के जो 3 वायर है इसमें से एक वायर कॉमन, एक वायर NO और एक वायर NC की होती है, और सेम TAC भी एक कॉमन, एक NO और एक NC की होती है। तभी इसमें से क्या करेंगे, ऑक्सिलरी से हम ऑन और ऑफ इंडिकेटर मतलब ऑन ऑफ और ऑन इंडिकेशन देखने के लिए MCCB का वो जो है इसमें से हम कॉन्टैक्ट यूज़ करेंगे, और ये जो है इसको ट्रिप इंडिकेटर के लिए यूज़ करेंगे। अगर MCCB ट्रिप होने के बाद हमें इंडिकेशन चाहिए तो वो इंडिकेशन हमें ये TAC के वायर थ्रू हमें पता चल जाएगा, जो हम MCCB जब पैनल के अंदर माउंट करेंगे सब पूरा हो जाएगा तब हम इसका भी डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखा देंगे।